अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी हो रहे हैं शाम के 8:15 और ये देखिए अरहान और फातिमा आटे से खेल रहे थे। और मैं आज काम पे गया था तो काम पे से आ गया, मैं नहा धो के फ्रेश हुआ, जो मेरे काम के कपड़े थे उसको निचोड़ के एकदम मस्त गैलरी में सुखाने डाल दिया, क्योंकि मेरे पास ना काम के ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, बस 2-3 ही हैं, तो इसी वजह से यूज़ करता हूँ। तो शाम में उसको निचोड़ के डाल देता हूँ। फिर सोलेहा ने बनाने ले लिए थे रोटी शाम के टाइम में, और फिर मैं काम पे से आया तो मैं सोचा चलो बच्चे लोग के साथ कुछ गेम खेलते हैं। तो यहाँ पर अरहान फातिमा के साथ खेल रहा था मैं। खेलते खेलते फातिमा को लग गई थी टॉयलेट, तो मैं गया था उसको वॉशरूम तक छोड़ने के लिए और वो आ गई है। और यहाँ पर देखिए भाई पायदान पे ना बराबर पैर पोंछती है। हाँ बच्ची, मैं ना सोच रहा था कि क्या करूँ घर में, तो मुझे आइडिया आया, चलो सोलेहा के थोड़े हाथ बड़ा डालते हैं, क्योंकि वो रोटी डाल रहे थे तो मैं सोचा चलो उनका एक काम आसान कर देता हूँ। तो ये बिस्तर वगैरह जो भी है घड़ी करके मैं डालने लगा वहाँ पर, तो ये बच्चे लोग बार बार बीच में आ जा रहे थे। तो जैसे ही मैंने दीवार पे तुआल टंगाया और पीछे मुड़ के देखा तो ये देखो भाई दोनों बच्चों ने क्या कर दिया, फिर से वापस पूरा बिस्तर वगैरह जो मैंने घड़ी किया था फैला रहे हैं। तो जहाँ पर मैं छोटी मोटी दवाई रखता हूँ ना वो जगह देखो, ये यहाँ पर मेरी आई ड्रॉप और ये क्या बोलते हैं अपना इतर सुरमा जो भी है सब आ जाता है आसानी से। और यहाँ पर फातिमा बैठ के पानी पी रहे हैं, पर है अपने हाथ से ना पानी नहीं पी रहा है, तो इसको मैं इसको अपने हाथ से पानी पिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। पकड़ो ऐसा गिलास, नहीं पीने का इसको, मेरे हाथ से ही पिएगा। अच्छा ये जो बॉटल में रखा हुआ पानी है तो वो वाला पानी, वाह क्या वाह, न्यू वर्जन बच्चे है आजकल, बस बस खुश हो गया, अपने हाथ से पियो। हाँ ऐसा पियो, पिलो अरे वही उसके अंदर का ही पानी है। हेलो पियो, अपने हाथ से पियो, पकड़ो यहाँ, पकड़ो गिलास, पियो अपने हाथ से पियो, हाँ पियो पियो पियो। अच्छा मैं पिलाऊं, लो हेलो ले लो, क्या हो गया ये, अभी तक पानी नहीं पिया, इसको बॉटल में ही पानी पीने का है, ग्लास में पियो ग्लास में, ठीक है बॉटल नहीं मिलेगी। और कल ना मैं रात में लेकर आया था राई का तेल 1 किलो, और उसको गरम करके उसके अंदर अजवाइन डाल के और क्या बोलते हैं अपना थोड़े बहुत लहसुन डाल के उसको अच्छे से मैंने गरम कर लिया था, और अभी बॉटल में डाल दिए हैं। इसमें बच्चे लोग को सर में तेल भी डाल देते हैं, और मालिश वगैरह जो भी है अरहान की पैर की थोड़ी बहुत, और फातिमा की थोड़ी पैर के सोने के टाइम ऐसे मालिश कर देते हैं। ये देखो तेल देख लिया ना, अभी अपने सर में डालने वाले, हाँ हाँ रात में सोने के टाइम डालेंगे, सोने के टाइम ठीक है, अभी नहीं डालेंगे रात में, सोने के टाइम डालेंगे, हाँ चलेगा ना। सोलेहा का यहाँ पर पूरा रोटी बना के हो गया, क्या बनाएंगे खाने में तुम? पुलाव बनाएंगे, चलो ठीक है। और अरहान को ना पता नहीं क्यों ऐसा बेलन खाने का चस्का लग गया है, ये देखो आप लोगों को दिखाऊं मैं बेलन के क्या किया है इसने, देखें दोनों साइड का, चलो बहुत हो गया, लो नहीं खाने का इसको, चलो चलो छुपा के रखो,
क्या हो गया? ये अभी चुप हो गया क्योंकि ना इसको मैंने इसकी ही रोने वाली वीडियो दिखाया तो देख के ना चुप हो गया। मजा आया ना? मजा आया? हाँ फातिमा, क्या आप भी, आपको भी खाने का है? क्या खाने का है आपको? अच्छा ये देखो अरहान बाबू रो रहा है, क्या करने का इसका? मारने का? नहीं भाई को नहीं मारने का, गंदी बात है। हाँ ठीक है, आप जल्दी जल्दी सलाम कर दो और सबको पूछो कैसे हो आप सब। कैसे हो और आप क्या कर रहे थे बेटी? अच्छा खेल रहे थे। कौन सा काम कर रहे हैं आप? कौन सा काम कर रहे हैं? मिट्टी खाने का काम कर रहे ना? मुझे मत सिखाओ, बताऊं अभी क्या कर रहे थे आप? बताओ आप क्या कर रहे थे, सच सच बताओ क्या कर रहे थे आप? इधर से निकाल के खा रहे थे ना? झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, बताओ वहाँ से निकाल के खा रहे थे ना? ना। खा रहे थे ना? हाँ। है ना? हाँ। नहीं खाने का, गंदी बात है ना, आपको मना किया ना मैंने नहीं खाने, अब बोलो सॉरी अब्बू नहीं खाऊंगी। इधर देख के बोलो, बोलो सॉरी अब्बू नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी बोलो सॉरी। अच्छा अपना मूंगफली दिखा दो। हाँ मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, ठीक है? नाना गए दिल्ली, दिल्ली से लाए बिल्ली, आ आ बिल्ली के दो बच्चे, आ आ क्या? हाँ अब्बा को ना आज भी टाइम नहीं मिला शोकेस लेके जाने के लिए, तो अभी कुछ पक्का नहीं है कब लेके जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह लेके जाएंगे और शबनम के घर पे पहुंचाएंगे ज़रूर, क्योंकि एक बार जब बोल दिए हैं तो देना ही है वो, और जब टाइम आएगा इंशाल्लाह हम लोग पहुँचा देंगे। शबनम भी मुझे बोली है कि जब तुम लोगों को टाइम मिलेगा तब पहुँचा देना, ऐसे कोई घाई वगैरह नहीं है, आराम से काम वगैरह जो भी है करके फुर्सत में पहुँचा देना उसको, तो देखते हैं अभी कब मौका मिलेगा इंशाल्लाह, जो भी रहेगा जैसे भी रहेगा आप लोगों से शेयर करेंगे। आ जाओ ऐसे करो, हाँ ऐसे करो ना, तुम्हारा नंबर आया ना अभी, अब मुझे मारो, अभी बज गए हैं रात के 10:30। यहाँ पर सोलेहा झाड़ू वगैरह मार रहे हैं और हमारा पुलाव भी बन के रेडी हो गया है। अम्मी को झाड़ू मारने दो बेटा, अम्मी को झाड़ू मारने नहीं दे रहे तुम लोग दोनों जान? क्या बोल रहे फातिमा, आप बड़े होके झाड़ू मारेंगे ना? कैसे मारेंगे झाड़ू? ऐसे मारेंगे, बताओ जरा कैसे मारेंगे फिर से, ऐसे मारेंगे? खेल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है अब्बा, आजकल बहुत खुश खुश नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ने खुशी दी है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे तुमको, हमेशा खुश रखे। आमीन अरहान, आमीन बोलो, आमीन आमीन। फातिमा तुम भी बोल दो आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, सलाम कर रहे हैं। चलो सॉरी जब तक दस्तरखान बिछा दूं। क्या हो रहा है फातिमा, क्या कर रहे तुम? हाँ क्या है, क्या कर रहे हो? चलो खाना खा लो। अब्बा कैसा लगा? अरहान देखो कैसे खाने के लिए रो रहा है। माँ आप भी खाएंगे ना? हाँ ऐसे खाना खाने का, ठीक है? हाँ पक्का? हाँ मैं तो बहुत मारेंगे आके तुमको, ठीक है? हाँ
कैसे खा लेंगे? काट देंगे। अच्छा तो हम लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से खाना खाने। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हमारा खाना खा के हो गया और अभी झाड़ू वगैरह मार के बिस्तर बिछाएंगे तो हम लोग सो जाएंगे। आज पानी का नंबर भी है, फिर अभी बहुत नींद आ रही है मुझे, तो थोड़ा आराम करने का सोच रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अपना प्यार से बनाए रखें।